नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारा लगातार ई कॉन्क्लेव जारी है, सुबह से ही तमाम दिग्गजों के जुड़ने का सिलसिला भी जारी है। और फिलहाल हमारे साथ में हरियाणा के सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जुड़ गई हैं इसी ई कॉन्क्लेव में। सुनीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद इस ई कॉन्क्लेव के जरिए आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगी, सकुशल होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल सकुशल होंगे। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ये ई कॉन्क्लेव है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना के साथ कोरोना के बाद हमारी दुनिया, यानी अब इस कोरोना को जब हम देख ही चुके हैं तो जाहिर सी बात है इसके साथ में जीना भी है, और इसके बाद हमारी दुनिया कैसी होगी उसके लिए हमें खुद को तैयार भी करना है। तो इंडिविजुअली अगर आपकी बात की जाए बतौर एक महिला, क्योंकि इस बार आप जो समाज सेवा कर रही हैं राजनीति के तहत वो तो एक अलग विषय हुआ, लेकिन सबकी पर्सनल दुनिया में भी अपनी जिंदगी में बहुत से बदलाव इस बार हुए हैं, तो आपकी जिंदगी में वो ऐसा कौन सा बदलाव है? देखिए, ऐसा है कि शुरू से ही जैसे पहले पढ़ाई की और उसके बाद फिर नौकरी की और उसके बाद नौकरी छोड़ के फिर राजनीति में, तो मुझे लगता है कि ये जो समय परिवार के साथ बिताया, मुझे नहीं लगता कि इतना समय आप किसी भी तरीके से और जो है वो अपने परिवार के साथ बिता सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस रहा कि जो है इतना समय जो है परिवार के साथ बिताया और बहुत सी चीजें ऐसी जो है वो एक्सप्लोर की, और ऐसा पता लगा कि कितनी खूबियां जो है वो बच्चों में है, कितनी खूबियां जो है वो हमारे आसपास के लोगों में है। तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और इसके साथ साथ जो है एक टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से जो है वो अपने जो हमारे एरिया के जो लोग हैं उनके साथ भी जुड़े रहने का अनुभव रहा। तो ये है कि टेक्नोलॉजी को भी और नजदीक से जानने की जो है वो मुझे लगता है कि कवायद इसमें रही, और नहीं तो रूटीन से जैसा होता है कि ठीक है आपका कि वो जो ओबीवेन है वो आ जाती है और सब कुछ लगा देती है, लेकिन अब सारा सिस्टम हमारा है और फिर भी हम आप लोगों को नजर आ रहे हैं उधर और सबको नजर आ रहे हैं। हाँ, मतलब यही बदलाव और परिवर्तन इस बार बहुत ज्यादा हुआ है कि हम वो आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो आत्मनिर्भरता सच में वाकई बहुत ज्यादा आ गई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आत्मनिर्भरता जो है वो बहुत आ गई, और भारतवर्ष के तो लोग वैसे भी बहुत ज्यादा जो है वो सक्षम हैं और आत्मनिर्भर पहले से ही हैं, और लेकिन इस जो कोरोना की जो बीमारी है इसने और भी ज्यादा मुझे लगता है कि सबको आत्मनिर्भर जो है वो बनाने की तरफ कदम बढ़ाया है, और आगे आगे और भी ज्यादा मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो सेल्फ रिलायंट होंगे। अच्छा, क्योंकि आप सिरसा से सांसद हैं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपके पास में, और काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर रहते हैं, अलग अलग वहाँ पर बोलियाँ भी हैं, ऐसा भी है क्योंकि राजस्थान से भी कुछ टच है, हरियाणा के भी वहाँ पर बोली है, ये अलग अलग जाति के लोगों से आपका हमेशा से ही मिलना जुलना रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में जब आप लोगों से दूर बैठे हैं और दूर बैठ कर अलग रह कर उनके लिए काम करना, जाहिर सी बात है बड़ा चैलेंज आपके लिए रहा होगा, इस चैलेंज को स्वीकारते हुए आपने कैसे लोगों की सेवा की इस दौरान में? देखिए पूजा, ऐसा है कि सच में बहुत चैलेंजिंग था कि क्योंकि जो राजनीति में जो लोग होते हैं उनकी पहचान ही इस बात से होती है कि वो कितना लोगों के बीच में रहते हैं, कितना लोगों के जो है वो साथ रहते हैं, उनके सुख दुख में उनके पास रहते हैं, और मेरी सदा ही ये कोशिश रहती थी कि कहीं किसी के कोई तकलीफ है, कहीं कोई दुख है, और या कहीं पर कोई किसी भी तरह का कोई भी समारोह है और मुझे अगर वो आमंत्रित करते थे तो मैं जरूर जाने की कोशिश करती थी, और इसके साथ साथ मुझे जहाँ कहीं भी ये पता लगता था कि किसी के यहाँ पर कोई दुख का माहौल है, कोई शोक है, यहाँ पर कहीं कोई किसी के यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है या कि कहीं कोई किसी की दुर्घटना हो गई है, तो मैं जरूर जाने की कोशिश करती थी कि आप किसी की खुशी में बेशक से ना जाएं लेकिन दुख में आपको जरूर जाना चाहिए। तो ये जो है डिस्टेंसिंग, इस सोशल डिस्टेंसिंग में ये जो डिस्टेंसिंग है ये बहुत मन को खल रही है कि हम अपने लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें इसमें पूजा हुई हैं कि जो एकदम से मन को झकझोर देती हैं, जिसमें मैं अगर अपना पर्सनल उदाहरण आपको दूं तो मेरे जो रियल मामा हैं वो जो है इसी दौरान, इसी लॉकडाउन के दौरान जो है उनका देहांत हो गया, और मैं उनके क्रिमेशन पे भी नहीं जा पाई, तो इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। लेकिन जो वहाँ के हमारे एरिया के जो लोग हैं उनसे कॉन्स्टेंट मैं टच में हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जो वहाँ पर जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे हम माइग्रेंट लेबर्स की बात करें, उनको किस तरह से उनको राशन पहुंचाना है, या कि हमारे जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनके साथ समय समय पर जो है वो बातचीत करके और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि किस तरह से जो वहाँ के लोग हैं उनको वो वहाँ पर हर संभव सहायता दे सकें,
और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जितने भी अधिकारी हमारी लोकसभा में हैं उनके साथ जो है वो पूरा तालमेल बनाकर और उनको इसके बारे में बताना कि समय समय पर जो है वो हर गांव में प्रॉपर सैनिटाइजेशन होनी चाहिए और समय समय पर जो है सबको मास्क मिलनी चाहिए और समय समय पर जो लोगों को जिस तरह की भी सुविधा है वो जरूर मिलनी चाहिए। सभी सरपंच से मैंने कोशिश की है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी सरपंचेज हैं मैंने 100% कोशिश की है कि सबसे मैं पर्सनल बात करूं और उनसे गांव के बारे में जो है पूछताछ करूं। और बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए मैं ये कह सकती हूं कि सिरसा लोकसभा के लिए खासकर कि वहां के लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं और आपस में एक दूसरे के लिए बहुत मदद करते हैं, तो वहां पर कहीं भी ये कोई दिक्कत नहीं आई कि किसी को राशन नहीं मिला है या किसी को कोई इस तरह की सहायता नहीं हुई, ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। वहां पर सबने बढ़ चढ़ कर जो है मतलब आपके संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसी अलग हटकर कोई चुनौती आपके सामने नहीं आई जिसके लिए आपको कुछ और नया सोचना पड़े, वहां के अपने लोगों की भी अहम भूमिका रही। जी बिल्कुल, वहां पर लोगों ने एक दूसरे को बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो सहायता करी है और इसके साथ साथ खाने पीने में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने जिस भी सरपंच से बात की हर सरपंच ने अपने गांव में कम से कम भी 4 बार और से लेकर 6 से 7 बार तक जो है पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया है, मास्क वितरित किए हैं, खाने पीने के लिए प्रशासन की तरफ से जो सहायता हुई है वो बहुत बढ़िया नहीं हुई है तो उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो लोगों की सहायता की है। तो मैं इस मामले में ये कहूंगी कि बहुत ही अच्छा जो है वो मेरे लोकसभा क्षेत्र जो है वो एरिया के लोगों का बर्ताव रहा है। और इसके साथ साथ वहां पर कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं वो भी इतने नहीं आए, एक महिला और उनके 2 बच्चे जो वो आए थे तो वो दोनों उसके बाद ठीक हो गए हैं। इसके बाद और जो 2-4 केसेस आए हैं तो सब के सब जो हैं वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। एक भी जो है वो डेथ केस जो है वो मेरी सिरसा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, इस बात का मैं परमपिता परमात्मा से बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि वो इसी तरह से ही जो है अपनी जो आशीर्वाद है हमारी लोकसभा पर और पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश पर भी और पूरे हमारे भारतवर्ष पर भी बरसाएगा और जो है मिनिमम जो है वो नुकसान हो, इस बात की मैं जो है प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज पर आप क्या असर देख रही हैं इस कोरोना का, क्योंकि कामकाज का तरीका बहुत बदला है। इसके अलावा अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो वहां पर इस संकट काल से कुछ सीखे हुए आप क्या कुछ परिवर्तन करना चाहती हैं जिसके तहत कभी इस तरह की मुश्किलें, भगवान ना करे कि ऐसी मुश्किलें कभी आए, लेकिन हम उसके लिए पहले से तैयार। मुझे लगता है कि शायद ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ही बात हम ना करें तो पूरे प्रदेश को ही और इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष को है इस बात की जरूरत कि हम स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ जो है वो एक खास हमें जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस तरह की जो पेंडेमिक है वो उसके लिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखना पड़ेगा। आप ये देखिए कि जब स्टार्ट हुआ था ये तो पीपीई किट जो है हमारे यहाँ पर ना मात्र बनती थी और आज की तारीख में हम पूरे दुनिया भर के अंदर जो है वो हमारा 2-3 नंबर है पीपी किट बनाने में और सैकड़ों की तादाद में जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर पीपी किट के जो है वो बनाने के जो है वो स्थान खुल गए हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया, चाहे मास्क बनाने की बात करें तो मास्क जो है वो बहुत आयत में जो है अब हमारे जो है हरियाणा प्रदेश में भी और हमारे भारतवर्ष में मिल रहे हैं। तो इन चीजों की बहुत सख्त जरूरत है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो हर तरह से हर जगह पर वो है सुचारू रूप से चलनी चाहिए और मैक्सिमम हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अब स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपने देखा है कि अगर हम ये माने कि बहुत से जो है ऐसे डिसीजंस हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते लिए, चाहे हम लॉकडाउन की बात करें कि उन्होंने किस तरह से जो है वो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और 4 करके जो है वो धीरे धीरे करके जिस तरह से समय रहते उन्होंने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से आज जो है वो हमारा आंकड़ा जो है उतना मोर्टेलिटी रेट जो है वो कंपैरेटिवली काफी कम है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं आपस में, आने वाले समय भी हम सब लोग सतर्क रहेंगे और इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो जो बातें बताई गई हैं वो उसका आगे भी पूरा ध्यान रखना है। बार बार चाहे 15-20 मिनट के बाद जो है वो 20 सेकंड के लिए हाथ धोने की बात कहें, बाहर बहुत जरूरी है तभी निकलें और निकलें तो मास्क पहनकर निकलें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, दूरी बनाकर रखें, कम से कम 2 गज की दूरी जो है वो बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इन सब बातों का हमें आगे भी ध्यान रखना है पूजा, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अब हमें कोरोना के साथ जीना है, तो कोरोना के साथ जीना है तो हमें इसलिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा और इसके साथ साथ सरकार भी जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हर तरह से जो है वो किसी भी नागरिक को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और जो आत्मनिर्भर की बात हुई कि उसमें अब जहां पर जैसे जो हमारे मजदूर भाई अपने अपने घरों में गए हैं तो वहां पर उनको वो साधन उपलब्ध हो और वो वहीं पर जो है कुछ ना कुछ अपना काम करके जो अपनी रोजी रोटी कमा सके, इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान गया और इसलिए आपने देखा होगा कि 20 लाख रुपए का पैकेज
जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, जो हमारी निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने वो ट्रांच 1, ट्रांच 2, ट्रांच 3, ट्रांच 4 करके एक एक करके उन्होंने सभी घोषणाएं जो हैं की हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग एमएसएमई सेक्टर में भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अच्छा, क्योंकि जो है ऊपर जिस पैकेज का आपने जिक्र किया है ये सब अभी थोड़ा सा इसमें नतीजन में वक्त लगेगा, कुछ राहतें हैं जो इंस्टेंट तौर पर होंगे, लेकिन उनमें ज्यादातर जो बंटवारा हुआ वो ये कहता है कि उसमें थोड़ा सा वो आगे काम आएगा, अभी सहयोग मिलेगा और उसके बाद में लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे, वो उसके लिए था। लेकिन अभी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपका जो अपना महकमा रहा है, क्योंकि आप आयकर विभाग में थी और वहां से आपने वीआरएस लिया, उसके बाद में आप राजनीति में आती हैं और यहाँ पर अब जनता की सेवा की आप लगातार कोशिश कर रही हैं, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अब आप अपनी इनकम सोर्सेज को कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त इकोनॉमी है वो सब जगह प्रभावित है, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो सब जगह प्रभावित है। हरियाणा की अगर बात करते हैं बेसिकली, तो आपके उस एक्सपीरियंस का भी फायदा क्या सरकार को मिलेगा? हाँ जी पूजा, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हमारी पूरी कोशिश है कि किस तरह से जो है हम जो हमारा बिजनेस क्लास है, पर्टिकुलरली जो हमारा मेन एम्फेसिस जो है वो सरकार का एमएसएमई सेक्टर की तरफ है, कि हम एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से बढ़ावा दें और किस तरह से जो है हम स्वदेशी जो चीजें हैं उनको हम जो है बढ़ावा दें, कि हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कहा कि जो भी जितनी भी ब्रांडेड जो आइटम्स थी किसी समय में वो लोकल हुआ करती और धीरे 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 जो है वो उसके बाद वो ब्रांडेड हो गई, तो हमें भी अपने लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। और देखा, आपने देखा ही होगा कि बहुत सी ऐसी चीज है जो हमारी जिनकी क्वालिटी अच्छी है, और शायद मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़ा कारण है कि भारतवर्ष के अंदर जो है वो उस तरह से जो है मोर्टेलिटी नहीं हुई, क्योंकि इम्यून सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा है, हमारा खान पान सब बहुत अच्छा है, तो हमारी हम और खाने की अगर मैं बात करूँ तो जितनी अच्छी फसल जो है किसान भाइयों की अब की बार हुई है तो वो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास यहाँ पर खाने की किसी की कोई दिक्कत थी तो मुझे लगता है कि कम से कम नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास खाने की कोई दिक्कत नहीं होती तो उसके बाद आप आगे की तरफ देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो देश की इकोनॉमी को आगे को बढ़ाया जाए और हम किस तरह से ऐसी चीजों का उत्पादन यहाँ पर कर सकते हैं कि जिसको हम जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकें। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारी बड़ी बड़ी कोशिश अब ये होनी चाहिए कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, और जैसे सोलर सिस्टम की हम बात करें जो हर जगह पर हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि हम सोलर सिस्टम का जो है वो हर जगह पे प्रावधान कर सकें। और हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है जो कि पूरी दुनिया का एकमात्र जो अलायंस है वो सोलर अलायंस जो है वो यहाँ पर गुरुग्राम में है, तो उसका मुझे लगता है कि अब बहुत जरूरत है कि हमें उस तरफ भी आगे बढ़ना होगा और जल संरक्षण का बड़ा ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम अपने जल को बचाएं। अगर हम जो भी हमारे सोर्सेज हैं अगर हम इन रिसोर्सेज को बचा लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम आगे बढ़ सकेंगे और हम आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए, ई कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। देखिए अभी कोशिश यही लगातार की जा रही है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें, लोकल के लिए हमें वोकल होना होगा और इसी ओर सुंदरल भी कह रही थी बार बार जोर देते हुए कि हमें इस बारे में ही सोचना होगा और इस वक्त हमारे पास में यही विकल्प भी है। रुक रहे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी ई कॉन्क्लेव लगातार जारी है।